मुझे ये टॉपिक इसलिए अच्छा लगा कि ये दिस इज समथिंग यू नो वी डील विद एवरीवेयर इन मेडिटेशन विद नॉन मेडिटेशन इन नॉर्मल लाइफ कि लुकिंग एट आर कंपल्शन. जैसे अभी आप बोल रहे थे कि ये तो मेरे डीएनए में ही आ गया और मैं बोल रही थी कि नहीं मैं तो 5:30 से करती हूँ. तो जब मैंने जीटीटीपी 12 किया था सेथ वर्कशॉप किया था मैं 4:30 बजे मेरी आंख अपने आप खुल जाती थी फिर मैं 5 बजे से करती थी. तो ये जो क्रेविंग्स हैं या जो कंपल्शंस हैं दे ड्राइव आवर लाइफ एंड व्हेन वी लुक एट इट ऑब्जर्व इट तो हमें कई सारी चीजें पता चलती है. तो इसलिए मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा और मैंने इसीलिए एक्सेप्ट किया. नहीं वैसे कुछ तो रहता ही है, अदरवाइज तो फिर अगर कुछ कंपल्शन नहीं रहता फिर तो एक एनलाइटेंड वाली स्टेट हो जाएगी. ऐसे लूजली मुझे वो याद आ रहा है बुद्धिज्म कॉन्टेक्स्ट में कि एक बार कोई लॉर्ड बुद्धा से पूछता है कि आप कौन हो, तो आप गॉड हो क्या? कहते नहीं मैं गॉड नहीं हूँ. आप ब्राह्मण हो क्या? कहते मैं वो भी नहीं. और भी दो तीन चीजें पूछता है कि आप फिर अल्टीमेटली हो कौन, तो बोलते हैं कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ जिसने अपनी सारी क्रेविंग्स खत्म कर ली है. मुझे क्रेविंग से बस बुद्धिज्म वाला कंटेक्स्ट काफी याद आता है क्योंकि उसमें ही सारी चीजें बहुत एलोबरेटिव बता रखे हैं बहुत सिंपल वे में. फॉर इंस्टेंस जैसे कि हम उसमें बोलते हैं डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल इविल, बट मोर इम्पॉर्टेंट या डिजायर से ज्यादा इट्स ऑफ लाइक क्रेविंग. इफ यू हैव अ क्रेविंग ऑफ समथिंग ऑफ लाइक मे बी अनरियलिस्टिक थिंग और मे बी समथिंग दैट मे नॉट लास्ट फॉर एवर एंड दैट साइकिल कीप्स ऑन गोइंग ऑन. I agree with Ashish. Anything that we are our mind automatically goes to, मतलब automatic हमारा वही वैसा ही reaction आता है. वही चीज हमारी food cravings में भी हो सकती है, वही चीज हमारे जिंदगी को drive कर रही है. तो basically अगर मैं हर time ये बोलती हूँ कि हर time में ये बोलती हूँ कि ये इस वजह से हो गया या उस वजह से हो गया, ये जो हम मतलब रीजनिंग करते हैं या उसको क्या मतलब वो करते हैं जस्टिफाई करते हैं, ये सारे जस्टिफिकेशंस या रीजनिंग ये हमारी उन वाले मतलब कर्म या धर्म, मतलब हिंदुइज्म के हिसाब से मतलब मेरा ये कर्म होगा इसी के लिए मैं इस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ. और बुद्धिज्म में कि मेरे पास्ट में ये सारे मैंने अपने शरीर में ये सब जमा कर रखे हैं इसके लिए मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ, जो बुद्धिज्म में होता है. कि बुद्धिज्म जो जितना मतलब मैंने पढ़ा कि कायानुपस्ना मतलब वी सेव एवरीथिंग और वी हैव दैट कलेक्शन इन आवर बॉडी एंड देन वी आर रिएक्टिंग फ्रॉम दोज इमोशंस फ्रॉम दोज सेव्ड काइंड ऑफ पैटर्न्स, कुछ इस तरह से ही आशीष आप भी बोल रहे हो ना? हाँ मुझे वो ज्यादा तो नहीं पता बट बेसिकली जो बेसिक धम्मा है उनका कि ठीक है कि हमारे पास क्रेविंग्स रहती हैं बहुत सारी चीजों की जो मे बी नॉट लास्ट फॉर एवर एंड वी अननेसेसरी परस्यू दोस क्रेविंग, तो दैट इज द कॉज ऑफ सफरिंग. तो उसके बाद उनका एक ही तो डायग्नोसिस हो गया, मेन डायग्नोसिस ह्यूमन का यही है एंड सेकेंडली उसका क्योर यह है द एटफोल्ड पाथ, जो उसमें एटफोल्ड पाथ इन द सेंस कि आपका राइट माइंडफुलनेस राइट कंसंट्रेशन राइट थिंकिंग राइट व्यू राइट फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड राइट व्यू इंटेंशन इस टाइप का कुछ रहता है. सो फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इफ दे गो बाय दिस एटफोल्ड पाथ दे कैन अटेन इनलाइटनमेंट इन देयर लाइफ, बट टू फॉलो ऑल दिस थिंग इट्स लाइक समवॉट डिफिकल्ट. तो मुझे और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आई थिंक आशीष ने पूरा बुद्धिज्म इन नटशेल बता दिया है. एंड यस दैट इज इन हाउ गौतम बुद्धा जी एंड दे स्पीक की मतलब सफरिंग ही वहां से आती है एंड टू ब्रेक दैट चेन देन यू हैव टू गो इनटू ऑल दीस काइंड ऑफ पाथ्स एंड देन सी व्हाट इज राइट बिकॉज़ इन देयर लाइफ टाइम
also tried like, okay, when he saw this thing कि एक दुखी आदमी एक death और this type of जो तीन चार चीजें थी वो देखा था, फिर उनका जो हुआ कि ठीक है मुझे अब मुझे enlightenment लेना है, मैं इन सब चीज से तंग आ गया, तो उन्होंने और भी कई सारी चीजें try करी थी कि अच्छा कि किसी ऋषि के पास गए कि अच्छा मैं क्या करूं, उनका पश्चाताप करो, कुछ और चीज करो, फिर उनके दिमाग में आया ठीक है कि मैं हंग्री रह के बहुत लंबे टाइम तक करता हूँ, कि ठीक है हंग्री रह के क्योंकि उनका बॉडी पूरा स्केलेटन जैसा हो गया था पेड़ नीचे बैठ के, देन फिर उनके माइंड में या ड्रीम में कुछ ऐसा आया था कि दिस इज नॉट द राइट थिंग, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं जल्दी मर जाऊंगा, तो उन्होंने फिर कुछ वैसा तरीका अपनाया कि ठीक है मुझे फूड की भी जरूरत है बट समहाउ एक ऐसा पाथ डिफाइन करने की जरूरत है जिससे मुझे और भी इस तरह का नहीं इतना एक्सट्रीम वे में जाना ना पड़े, क्योंकि नॉर्मल पीपल जो रहेंगे वो इतना एक्सट्रीम जाने के एनलाइटमेंट के लिए वो हो सकता नहीं करें, तो इसलिए उन्होंने फिर बाद में एट फोल्ड पाथ बनाया कि अच्छा इफ यू डू दिस थिंग इन लाइफ राइट एक्शन राइट लाइवलीहुड राइट व्यू इंटेंशन कंसंट्रेशन देन यू कैन अटेन निर्वाण और एनलाइटमेंट। राइट, थैंक यू आशीष, वेलकम अंजू, वेलकम अंजू। So both and Anju are like speaking or not speaking, actually keeping quiet. And today I want to welcome Tehzeeb. So Tehzeeb is a PhD scholar at Jamia Millia. And I don't know exact subject, pata nahi kis subject mein, but I know him for about 5-6 years. Aur bahut hi studious person hai. Aur abhi main kuch din pehle hi kuch Buddhism and Sikhism एंड सूफिज्म के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो तहजीब का नाम याद आया, तो हैव आस्क्ड हिम टू जॉइन। तो तहजीब, इफ यू कैन से हेलो लेटर ऑन और जॉइन एंड पार्टिसिपेट, इट विल बी वेलकम। सो वी आर लुकिंग इनटू कंपल्शंस, और आशीष जो बोल रहे हैं कि टोटली एग्री कि सफरिंग इज फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, और फिर एट फोल्ड पाथ है, एंड वॉट इज द राइट चॉइस वी मेक दैट मेक्स द डिफरेंस, और वहां से फिर हम निर्वाण की तरफ जाते हैं जो गौतम बुद्ध ने जो पाठ बताया। यस अंजू, यू वांटेड टू से समथिंग। यू कंटिन्यू, आई विल जॉइन। ओके, व्हेनेवर यू वांट टू जॉइन। सो या, आई मीन, एंड आई वांट टू लाइक यू नो शेयर वन थिंग फ्रॉम, आई डिडंट थिंक आशीष वुड ब्रिंग अप दिस, बट आई वांट टू शेयर वन क्लिप फ्रॉम गोयंका जीज क्लिप ओनली। He says how our mind works, and then he tells how to achieve some, you know, such steps in the meditation itself. So I want to play a 2-minute clip from his talk. So before that, everybody knows about Goenka ji? I don't know. अच्छा, कौन, who doesn't know, both? अच्छा, so like Goenka ji is the you know the founder member, he is no more, but he is the founder member of Vipassana in India. So there are so many centers in India where we have this 10-day retreat, residential retreat, and all was formed with Goenka ji's like leadership. I think at least 100 I know. In most of the cities and smaller cities all over India, there are these centers which conduct 10-day retreat of Vipassana. And Vipassana is like this, this whole study of, you know, the Eightfold Path. Lekin usme bhi sirf meditation par hi zor dete, us 10 days mein, ke bare mein. Aur at least in my studies, I have at least 5 retreats maine kiye hain. और वो मतलब इतना एक गिफ्ट है, एंड इट्स ऑल फ्री, आई वांट टू से दैट इट्स ऑल फ्री, एंड ही ब्रॉट दैट मेडिटेशन ऑफ आनापान सति, जो हम लोग अभी ब्रेथ मेडिटेशन बोलते हैं, जो कि हम जीटीटीपी और पीएसएसएम में भी वही करते हैं, तो दैट ब्रेथ मेडिटेशन वाज लाइक एन डिस्कवरी और इन्वेंशन ऑफ गौतम बुद्ध, एंड इट हैड गॉन, और इतना कम हो गया था इंडिया में, तो लाइक पास्ट 40 ईयर्स और समथिंग द होल विपासना जो मतलब एक किस्म से फिर से यहाँ पर पॉपुलराइज किया और इतना स्प्रेड किया, एंड टू मेक इट अवेलेबल टू एवरी स्टूडेंट हु वांट्स टू बी देयर, सो दैट इज गोयंका जीज एंड हिज उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले 2-मिनट क्लिप ऑफ हिज, ये सती पठान में वो बोलते हैं, तो ये वाला क्लिप मैं
exactly jo Ashish ne bola hai par unki bhasha mein. Yes, he is Goenka ji. And again, a flickering mind. You feel so agitated. What kind of mind I am carrying? It cannot work this ordinary work just to observe. It has nothing to do. Respiration is there. It's not a breathing exercise that you get fatigued because of that. It is there. And your job is just observe. It's just happening. You are sitting on the bank of the river. The river is flowing. What you have to do? And still, it cannot do even this easy job. You feel very frustrated. You generate agitation, irritation. Oh, no, no. Then you are going against the technique. This is your own habit pattern of the mind, that when something unwanted happens, you react. You react with irritation, with agitation, with negativity. And this is what you started doing. Now you want the mind to get concentrated, and look, it is not concentrated. So you start reacting. Oh, no, no, no. The technique wants you just accept the fact. Mind has wandered away. At this moment, the mind has wandered away. Smilingly accept it, wandered away. So what? The breath is still there. I come back to breath. Come back to breath. Again it wanders away. Again come back to breath. Very soon you will realize that as soon as you accept the fact the mind has wandered away, you won't have to pull it back to the breath. It just comes. It will come automatically. You just accept the fact mind has wandered away. Enough. It will come back to the breath. So you started observing your mind, the nature of your mind. It keeps on wandering. What a fleeting mind, a flickering mind, a wandering mind. Another reality. Where does it wander? Oh, so many objects. You can't keep a diary. You're not allowed to keep a diary here, but even if you were allowed, no, not possible for anyone to keep a diary where it wandered. Every moment it is somewhere in the sky or somewhere in another world altogether. You can't keep a diary. But still, carefully if you notice, you will find there are only two fields for this mind to wander. The field of the past memories, the field of the future. A memory will arise in your mind, this memory or that memory. At this memory, later on maybe some other memory. But some memory, it so happened. Oh, so-and-so insulted me in the past. So-and-so abused me. At that time, I didn't know what to do. Now this fellow insults me. I will retort like this. I will reply like this. I will do like this, and start rolling in future. And you keep on rolling in future. Again, suddenly a thought of the past comes. And you start rolling in the past. Again, you jump to the future. And you keep on rolling in the future. So, actually, ये क्लिप उतना ही हमारे मतलब का है तो बट इट गिव्स यू द जिस्ट दैट हाउ आर माइंड पैटर्न वर्क्स एंड द वे ही इज एक्सप्लेनिंग इज दैट यू जस्ट एक्सेप्ट इट. तो मेरे एक्सपीरियंस में भी ये जो एक्सेप्ट करने वाली चीज है वो मेरे लिए बड़े फायदेमंद रही है. तो ये मैं शेयर करना चाहती थी और that is my, you know, like my experience that once I accept, or once you accept ki that is how I'm behaving, just observing it will make a difference. And it will help us to overcome that habit or to make new habit later on. If we keep observing, wo jo hold hota hai, wo usme se chala jata hai. Matlab, wo jo humko रखा हुआ था उसने पकड़ के किसी हैबिट पैटर्न ने वो हमें लूजन अप होने लगता है. इट्स कॉल्ड द बाउंडेड मैन. क्या इसको बाउंडेड मैन बोलते हैं? मतलब जैसे हम एक्सप्लेन करूं? नहीं, एक्सप्लेन करिए. बाउंडेड मैन. इसको पहले स्क्रीन शेयरिंग तो बंद कीजिए. अच्छा, ये किस लिए खोल दिया है? ये जो मैं बोल रही थी पॉइंट्स, उसी का मतलब मैंने पॉइंट्स की द मोमेंट इट एक्सेप्ट वी एक्सेप्टेड द होल्ड बिकम्स लूज एंड देन वी कैन डू मेडिटेशन और प्रेइंग. यस, बट यस, बाउंड मैन. सो वी ऑल आर bounded by air, if you can see.
आप कभी भी एयर से मुक्त नहीं हो सकते, राइट? एंड आप कभी नहीं हो सकते, बट द ओनली वे वे टू गेट फ्री फ्रॉम एयर और डिसअपीयर इज टू गेट प्रेजेंट दैट यू आर बाउंडेड विद एयर. वाह, ये आपने बहुत अच्छे मतलब, तरीके से बोला. मैं इसमें मतलब ये भी है कि एक लाइन है, मैं अभी देखकर बताता हूँ, मेरे पास रखी हुई है, कि हम अपने थॉट से, हैबिट पैटर्न से ना हर चीज से बंधे हुए हैं. बाय डिफॉल्ट है वो, मतलब उसमें अब कुछ नहीं कर किया जा सकता, वो लाइफ टाइम रहने वाला है. तो वी आर नेवर गोइंग टू बी फ्री फ्रॉम इट, नेवर. द ओनली फ्रीडम इफ वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इज वेन वी गेट प्रेजेंट, यस आई एम बाउंडेड विद दैट हैबिट और एनीथिंग. एट दैट मोमेंट दैट बॉन्डेज डिसअपीयर्स एंड द मोमेंट यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग विद इट, वो दोबारा से आ जाता है. एग्जैक्टली, डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट, जैसे वो बुद्धिज्म से बोल रहे हैं, मैंने भी विपासना सती पठान से बोला, आप एक दूसरा, बट ओवरऑल आई थिंक द मोमेंट वी एक्सेप्टेड दैट बॉन्डेज, गेट प्रेजेंट, हाँ, गेट प्रेजेंट और एक्सेप्ट आई एम. वेलकम धुन अग्रवाल, स्वाति. आई चेंज, या हेलो स्वाति, मुझे ऐसा लग रहा था Hello. आज स्वाति नहीं आएगी तो कैसे हमारा पूरा महफिल कैसे जमेगी. मैं एक बार सोच ही नहीं जाती, नीचे थी मम्मी के आई हुई ना मैं, हाँ, तो फिर मैंने मन नहीं लग रहा, मैं जाती हूँ थोड़ा सा. तो क्या चीज का डिस्कशन, क्या चीज का चल रहा है? कि मतलब हम जो भी क्रेविंग्स होती हैं, जो हमारी कंपल्शन हैबिट होती है, जो हैबिट हम जिसको हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, सो व्हाट इज बिहाइंड दैट एंड हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दोज हैबिट्स. इट कुड बी फूड क्रेविंग, इट कुड बी सम काइंड ऑफ हैबिट और सम काइंड ऑफ थिंग्स, ले नो कि मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ, मैं एग्जाम के लिए नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं मोटी बुक नहीं पढ़ पा रही हूँ, या कुछ भी, मैं लड़कों के साथ बात नहीं कर पा रही हूँ, ये भी एक होता है, या लड़की के साथ बात नहीं कर पा रही हूँ, बॉस के साथ नहीं बात कर पा रही हूँ, एंड समथिंग समथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू चेंज. सो हाउ कैन वी चेंज सच थिंग्स दैट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट और वी आर बॉन्डेड बाई और समथिंग विच इज होल्डिंग अस एंड नॉट हेल्पिंग, नॉट, हम लोग को आगे नहीं जाने दे रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है. तो इसके बारे में डिस्कशन हो रही है. अनुषा ने ये टॉपिक बोला था फूड क्रेविंग से लेकर, लेकिन हम लोग इसको विस्तृत कई चीजों पे मतलब देख सकते हैं अपने लाइफ में, कई जगह पर ये देख सकते हैं. व्हाई आई वांट टू वॉच टीवी फॉर हाफ एन आवर, ये इस तरह से. तो आशीष स्टार्टेड विद एटफोल्ड पाथ की सफरिंग कहाँ से होती है, एंड तो वो शुरुआत का कुछ मिनट्स, एंड सरप्राइजिंगली मैंने भी जो क्लिप किया था वो विपासना और बुद्धिज्म से ही क्लिप चूज किया था. सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव रहता है एस्केपिज्म, कि कई बार लाइफ में ऐसा रहता है या हो जाता है कि समहाउ हम दूसरी, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम का रियलिटी है या डेली लाइफ जो है उसको एस्केप करने के लिए कुछ अलग क्रेविंग बना लेते हैं, और वो कई बार इसलिए भी होता है. साइंस का पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्रेविंग क्यों रहता है कि एक, जैसे हमारे बॉडी में एक एंडोक्राइन सिस्टम भी है जो हार्मोन्स कुछ ना कुछ रिलीज करता रहता है, उसके बेस में कुछ ना कुछ होता रहता है. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हम लोगों का एक हार्मोन रहता है डोपामाइन. डोपामाइन एक हार्मोन ऐसा रहता है जो क्रेविंग के पीछे रहता है. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आपने कुछ खाया, मे बी कुछ शुगरी या फिर कुछ स्वीट सा चीज जो आपको बहुत अच्छा लगता है, एक बार आपने खाया आपको अच्छा लगा, तो वो डोपामाइन ऐसा रहता है कि आपके ब्लड में भी अगर होगा तो कई बार ऐसा उसका स्पाइक, अगर हम वैसे मेजर करेंगे तो उसका स्पाइक भी आता है. अब अगर हमने कई शुगरी चीज हमें लग रहा है कि अच्छा ठीक है लड्डू है, दूर में दिख रहा है, बट वो वैसे ही था, खाया तो कुछ अजीब सा टेस्ट था, उसका कुछ फ्लेवर नहीं आया, तो उसका एक नेगेटिव स्पाइक भी हो जाता है, मतलब एक डिससेटिस्फेक्शन सा हो जाता है कि अब मैं कहीं से एक अच्छा लड्डू खा के रहूंगा. तो वो जो डोपामाइन साइकिल रहती है वो कई बार क्रेविंग को बहुत इम्पैक्ट करती है. तो वी गेट एडिक्टेड टू दैट केमिकल which gives us that feeling of, you know, like ki sweetness wala wo jo dopamine hoga
उतने लेवल पर होगा तभी हम अच्छा, हमें अच्छा लगेगा। एक किस्म से वो एक किस्म से हमने पैटर्न बना लिया है कि जैसे मैं बिल्कुल गुस्से में टेंशन में रहूंगी तभी मेरे को फील गुड होगा, या मैं पूरे हर टाइम समवन मैं आती रहूंगी तो फिर मैं मतलब एम्पावरिंग फील होगा ऐसा कुछ। हाँ ऐसे। हाँ तो दैट इज वेरी गुड पॉइंट आशीष। और एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू ऐड और समथिंग? हाँ प्लीज बोथ। पढ़ूं मैं क्या पढ़ा था? I am someone going through life in a world in which the way I am wound up being is all automatic and mechanical. I am someone going through life in a world in which the way I am wound up being, जिस तरीके से मैं मेरा being wound up हुआ है, is all automatic and mechanical. वो इतना अंदर तक automatic हो चुका है कि Anuradha will be in a certain way in certain circumstances, and that is all automatic. It is called tranquilized obviousness. मतलब इट इज ऑब्वियस दैट वी विल बिहेव इन अ सर्टेन मैनर। मतलब हम पांच लोग हैं एक सिचुएशन में, सबके पांचों के अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं, बट ये पक्का है कि वो सारे रिएक्शंस ऑटोमेटिक और मैकेनिकल होने वाले हैं अंटिल एंड अनलेस यू आर प्रेजेंट प्रेजेंट टू इट। सो द होल थिंग दैट यू आर टेलिंग इज दैट वी हैव टू गेट प्रेजेंट। और इट इज लाइक कि सो इट इज लाइक आई एम वाउंड अप इन ए जेल विद वॉल्स ऑन ऑल फोर sides, और मैं उसको पेंट कर रहा हूँ वॉल्स को रोज। वी ऑल आर इन ए जेल एंड द मोमेंट यू आर प्रेजेंट दैट आई एम इन ए जेल द वॉल्स डिसअपीयर। वंडरफुल वंडरफुल, दैट्स अनदर वे ऑफ सेइंग। अंजू जी को बहुत पसंद आ गई है यह बात। बहुत डेप्थ में बोला है, मतलब इट हैज सो मच ऑफ डेप्थ इन इट। इसके ऊपर तो बहुत कुछ सोचा जा सकता है। एग्जैक्टली। बट मैं तो इतना लाइक व्हाटएवर कंपल्शंस और हैबिट्स वी हैव, आई थिंक वी शुड नॉट बिकम स्लेव टू दैट। वी शुड ट्राई टू ब्रेक एनी काइंड ऑफ हैबिट और एनी काइंड ऑफ क्रेविंग और कंपल्शन वी हैव। सो वो कि उसको उसमें ब्रेक लाना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वी बिकम वेरी लाइक we are bounded by them and then they try to you know hamare upar rule karte hain then so wo hame change karna padega। another thing is vipassana ka aapne bola tha Goenka ji ne ki wo acceptance of the present moment, you know once we are in the present moment so then the life becomes very easy। Most of the time we are not in the present moment। हम खाना भी खा रहे हैं तो हम सोच पता नहीं कहाँ की रहे होते हैं, खाने पे तो कभी भी ध्यान नहीं होता कि क्या खा रहे हैं। No, most of the time, like we should put all our thoughts, energy into that food, we chew it, like Goenka ji कहते जब हम walk भी कर रहे हैं तो we should focus on our walk कर रहे हैं, हमारी legs, हमारे feet, नीचे किसको touch कर रहे हैं, grass पे हैं हम, मिट्टी के ऊपर हैं, तो वो फील आनी चाहिए बेसिकली। सो दैट फील इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो नीड टू बी इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। मैं इस पे कुछ ऐड करूं? तो फ्यू डेज अगो मेरे फादर का बर्थडे था 15th ऑफ जून को, तो मैंने उनको विश किया, फिर मैंने उनसे ये पूछा कि आप बचपन में अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे, लाइक बाबा दादी आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, ऐसी इंक्वायरी जो मेरे फादर ने भी कभी नहीं सोची थी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं उनसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछूंगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं मेरा तो बर्थडे कभी सेलिब्रेट किया ही नहीं किसी ने ऐसे करके। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट ऑटोमेटिक और मैकेनिकल, दिस केम जस्ट कि मैं अपने ऐसे फादर से पूछूं कि आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे बचपन में। सो ही वॉज ऑल्सो एस्टोनिस्ट कि ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करता था बचपन में। So these are some of the things की, और ये इतना ऑटोमेटिक और मैकेनिकल है कि हमारे जो आसपास में लोग रहते हैं ना सबको पता है कि बोथ विल बिहेव इन ए सर्टेन मैनर, बट द मोमेंट आप वो बैरियर तोड़ते हो लाइक यू गेट प्रेजेंट कि दिस इज ऑटोमेटिक। लाइक मेरे फादर के केस में आई वॉजन श्योर कि मैं जनरली उनको ऐसे ही बोलता था कि अच्छा ठीक है बर्थडे क्या करोगे ऐसा करोगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई आस्क्ड इन समथिंग लाइक दिस,
द मोमेंट यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद समथिंग सम विद समवन वेयर यू आर प्रेजेंट दैट इट शुड नॉट बी ऑटोमेटिक और मैकेनिकल समथिंग न्यू विल इमर्ज एंड दैट पर्सन विल ऑल्सो बी लाइक ओ ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था एंड दैट्स वेयर द एंगेजमेंट occurs between the two person dancing in the conversation. So yeah. all this jo bhi hum baat kar rahe hain ye ontological hai. Ontology is basically a science of being. Like we all are human beings hote hain na hum sare, like being happy, being sad, being energetic. So or this was started by Werner Erhard in Landmark Worldwide. So somehow all this education is also inspired from Buddhism. Right. Landmark, मुझे ऐसा लगा ही था कि लैंडमार्क आज बहुत आने वाला है, आज टॉपिक ही ऐसा है, इसीलिए आ गया. Yes, the other point I want to add is that when we converse, the same thing, बोध का ही पॉइंट आगे ले जा रही है, when we converse and become sort of, you know, like I am not this habit, but I have this habit. जैसे कि वो एक चीज है जो एक हमको थोड़ा सा उससे डिटैच कर देती है. अगर हम किसी चीज पर ध्यान दें, जैसे अंजू जी बोल रही, वी कैन नॉट बिकम एनस्लेव्ड बाय इट. एक्सेप्ट करना तो बात है, लेकिन फिर उससे उबरना कैसे है. तो अगर मैं बोलूं कि मैं खाना ज्यादा खाती हूँ, बट आई एम, यू नो, दैट इज अ हैबिट दैट आई हैव, इट्स नॉट दैट आई एम ओवर ईटर. तो उससे एक तो डिटैच हो जाता है, फिर उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं. और सेकंड और दूसरा एक और चीज है कि या तो मेडिटेशन में या किसी तरह से भी आंखें खुली रख के अगर हम बात करने लगे कि व्हाट इज दिस हैबिट टेलिंग मी और व्हाट इज इट टीचिंग मी, तो उससे जब हम कन्वर्स करते हैं अपने आप में, बोध ने बोला कि हम दूसरों से कन्वर्स करें, लेकिन उस हैबिट या उस सिचुएशन या उस जो भी हमें रोक रहा है या बॉन्डेड है, हम उसी से कन्वर्स करें, तो हमें काफी चीजें इंसाइट उसी से आने लगती है. Just having that thought or that question. Now for this example, I want to say that jaise wo meditation ka example, kyunki hum log sab meditation karte hain, ki if I am not meditating or I am being in present or past, I am not looking at the grass, jaise Anju bol rahi hai, then what is it that I am getting out of it? Like I am being in a dreamlike state or is that something which I'm enjoying and not looking into what I need to look, like wo jo escapism ki baat hoti hai. So jab hum log converse karne lagte hain, kisi point pe hum aate hain ki kya main usko escape kar rahi hu, kya mujhe wo bahut bada lag raha hai, kya mujhe wo bahut chhota lag raha hai ki main usko matlab usko nahi dekhna cha rahi hu, then we get into the point, like usme depth mein jate hain, and then we can have like उसको डिस्टेंस करने के बाद वो कुछ कुछ हमसे अलग होने लगता है. तो ये मैंने महसूस किया है, खासकर मेडिटेशन में या कोई भी दूसरी चीज, जैसे कि अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ और मुझे हर टाइम ना ही मिल रहा है, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ द नो, समथिंग आई एम क्रिएटिंग दैट इट देर इज सम नो इन माई एप्लीकेशन, तो व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट. Maybe this conversation, you know, helps me later on to get into, to rethink how I apply, how I present myself. So, ये मैंने महसूस किया है. ये हो सकता है कि मेरे ही मन में हो कि मैं अभी नौकरी नहीं करना चाहती हूँ, and I'm creating that no response. तो ये मैंने काफी महसूस किया है अपने behavior में, और ये मुझे काफी मदद भी मिली है. तो एक और, अगर किसी और को कुछ बोलना नहीं है, तो एक छोटा सा, ये एंजल थेरेपी में एक प्रेयर होता है, एंजल थेरेपी में एक प्रेयर होता है, हैंडबुक है ये, डोरिन वर्च्यू की एंजल थेरेपी की हैंडबुक है. आई जस्ट वांट टू रीड दैट, यू नो, हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ एडिक्शन कॉर्ड कटिंग और या इलिमिनेटिंग एथरिक. इसमें भी जैसे प्राणिक हीलिंग में भी कोई तरीके होंगे, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बिगिन बाय थिंकिंग अबाउट एनी एडिक्शन दैट यू फील कंप्लीटली रेडी टू रिलीज. दिस ओनली वर्क्स इफ यू ट्रूली वांट टू लेट गो ऑफ देम. यू कैन साइमल्टेनियसली चूज एंड रिलीज एज मेनी एज यू वांट
Next, imagine that the addictive item or a symbol of the situation are sitting on your lap. Notice the web of cords connecting them to your body, especially around your belly button. Those are the attachments of fear wherein you believe that you need these addictions. Then call upon Archangel Michael and Raphael to dissolve these cords and cart away your addictions to heaven for transmutation and healing. So ये वाली exercise हम कई बार करते हैं, जो भी मतलब counseling या किसी भी कोई question इस तरह का है कि मैं ये इससे पार नहीं कर पा रहा हूँ. तो वी इमेजिन कि वो एक चीज है और फिर उससे कॉर्ड कटिंग, इस तरह से डोरीन वर्च्यू जो एंजल थेरेपी में है, ये वाली चीज काफी बार की जाती है. और खैर इसको वैक्यूमिंग भी करते हैं, वो एक नेक्स्ट तरीका है टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन या हैबिट. तो ये एंजल थेरेपी में ऐसे रिकमेंड करते हैं. और विपासना में तो इट्स लाइक यू नो जस्ट ऑब्जर्व 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 एंड इट गोज अवे, ऐसे हो गोज. विपासना में कई बार मैंने वेट लॉस किया है और फिर बाद में वो बढ़ जाता है, बट या इस तरह से मैं मुझे जो भी है बट क्रेविंग आ जाता होगा. नहीं जो भी है, आई एम एंजॉयिंग दैट बोथ जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ. आई एम एंजॉयिंग दैट प्रोग्राम. You both of you suggested on Radha and both. So yeah. This is a really very good program. You know. Yes. This I was telling both when you were not here. Good energy we are getting, you know. Yes. Good, very good energy. And in the morning, somehow I would wake up at 4:30 just to attend that. And usually I don't wake up at 4:30 that. So something ki matlab agar raat mein soch liya to wo phir uth hi jaate hain. JTTP में मेरे साथ ये असर हुआ था. So what did you like about JTTP? Basically their meditation technique, that is very good with the way they let us, and then the energy you can feel, you know, from that group energy coming to you. Then first time, you know, I have been meditating off and on, like I'm not a very regular meditator. मैं करती हूँ फिर बीच में छोड़ देती हूँ, ऐसे ही होता है. But this time, like उनको सुनने के बाद, दीज मास्टर्स, अ फ्यू ऑफ द मास्टर्स, दे स्पीक सो वेल, इतना अच्छा बोलते हैं, लाइक इट रियली यू नो इम्पैक्ट उसका बहुत ज्यादा होता है. अच्छा, सो नाउ आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस. लेट्स सी, द टाइम विल टेल दैट आई एम गोइंग टू बी वेरी रेगुलर इन माई मेडिटेशन टेक्निक, मेडिटेशन प्रैक्टिस बेसिकली. सो एंड द मास्टर्स, सम ऑफ द मास्टर्स आर रियली very, they talk very, I mean the kind of knowledge, the information which they are giving us, very nice, very nice. Uska kya hua ki I have one of my friend, to wo meditation mein gayi na, to usme bolte hai na shuru mein ki ahwan kijiye ki स्वामी विवेकानंद को बुला रहे हैं या मास्टर्स को बुला रहे हैं. तो वो पता नहीं उसको कैसा साउंड कर गया, वो अंधेरे डार्क रूम में थी, तो शी वॉज गॉट स्कैर्ड. तो मैंने कहा कि इफ यू गॉट scared, then you can, मतलब do you want to be free from this fear or do you want to like be in this fear throughout your life? Manika, if you want to be free, then you can talk to the admin in that WhatsApp group and let's see what comes up there. अगर आप किसी को help के लिए पुकारोगे तभी कोई आपका help करेगा ना. So this is what I... ऐसा लगता है कि आत्मा आ जाएगी अगर आप आह्वान करोगे उसको तो सामने. तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती जो थॉमस एल्वा एडिसन सॉल्व कर पाएंगे, कुछ के लिए उन्होंने अलग बना रखा था कि मे बी अब्राहम लिंकन पूछ जाएंगे, तो एक काइंड ऑफ काउंसिल बना रखा था उनका भी, तो सिमिलर वे में करते. एक और चीज बता दें, फॉर जो मेरे लिए काम करी थी कि और क्रेविंग्स और सब चीज हटने के लिए, कि कई बार ऐसा रहता है कि नो योर सेल्फ, कि क्या चीज आपके लिए वर्क करती है, क्या चीज आपके डायरेक्शन में रहती है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए मुझे पता है कि क्या क्या ट्रेड्स हैं, जैसे टेक्निकल साइड हो गया, थोड़ा आर्टिस्टिक साइड हो गया, क्या क्या चीज मेरे लिए वर्क करती है. अगर आप उसमें आप जानोगे ठीक है अपने क्या वर्क करता है, देन एक समय इसमें आप बोलिए आपका एक सेल्फ एस्टीम बिल्ड हो जाता है, ठीक है ओके ये चीज मेरे लिए वर्क कर रही है और हमेशा वर्क करेगी.
तो ये थोड़ा सपोर्टिव रहता है कि आपको क्रेविंग्स हटाने के लिए, कि जो चीज रियली में आपके लिए वर्क कर रही है फोकस देयर। और उसके बाद कई बार जैसे ये तो आपके लिए वर्क कर रहा है, उसके बाद कि आप चीजों में इंट्रोस्पेक्ट करो, एक्सेप्टेंस तो इंट्रोस्पेक्ट करो, एक स्टेप बैक जाके कि ओके ठीक है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे लिए वर्क कर रही है, मैं इसमें वर्क कर सकता हूँ, एक स्टेप बैक जाके इंट्रोस्पेक्ट करना, कॉन्टेम्पलेट करना। मैं भी ये एक बुक पढ़ रही हूँ, थिंकिंग एंड डेस्टिनी। माय गॉड, इसमें ये है कि यू कैन क्रिएट एनीवेज, वो जो इतनी मोटी बुक है पहले तो, एंड इट इज लाइक यू नो दिस होल कॉन्सेप्ट कि यू कैन थ्रू थिंकिंग इटसेल्फ यू कैन रीच दैट निर्वाणा। इनका पूरा मतलब ये है, वो तो गौतम बुद्ध ने एट फोल्ड पाथ बोला है, बट अगर ये मैं अभी दो चैप्टर तक पढ़ी हूँ, बट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि विथ योर थिंकिंग यू गेट ऑल द नॉलेज एंड गाइडलाइंस एंड ऑल योर लाइक कर्म धर्म एंड ऑल योर बॉडीज गेट एनर्जाइज्ड एंड यू आर कनेक्टेड विद द ऑलमाइटी और क्रिएटर एंड योर डेस्टिनेशन और योर जो निर्वाणा की बात हो रही है यू कैन गेट थ्रू ओनली थिंकिंग। ये आई मीन दैट इज वॉट द ऑथर इज ट्राइंग टू से। And then he says that you, जैसे आप बोल रहे किसी को बुलाते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि जो भी आपके जो mentors हैं या teachers हैं, visible या invisible, you can call them in your meditation and they will help you to say कि what is your blueprint, what is your purpose of life, and when you get conscious of your purpose of life, then happiness anyways comes and then nirvana. तो that is just you know like one step in your journey and you go grow and grow in your consciousness even after attaining nirvana. So he's saying that nirvana is not a step, it is a huge step for a human, but it is not the goal, but consciousness always expands and there are levels and levels and levels is book mein hai aur kitni 1946 ya kuch mein likhi gayi hai ye word aapne sahi bola, purpose, purpose rehta hai aapka, certain direction rehti hai और पर्पस में आप वो भी पता रहता है कि आप टोटली अनरिलेटेड चीज नहीं कर रहे हो, जो चीज आपके लिए वर्क कर रही है, जिस तरह का आपका नेचुरल इंटेलिजेंस है, जिस तरह से आपने आपको जाना है, आपने वो चीज वर्क कर रही है, पर्पस उसी डायरेक्शन में रहता है। देन क्योंकि क्रेविंग में क्या रहता है कि आप क्रेविंग, अगर ऐसा नहीं कि आपने ये क्रेविंग हटा दिया, वो क्रेविंग हटा दिया, कुछ नहीं है, एक क्रेविंग हटेगी दूसरी कुछ क्रेविंग और आ सकेगी जब तक आपको पर्पस अलाइन नहीं है कुछ। एग्जैक्टली, जब पर्पस क्लियर हो जाता है then everything, the distraction anyway falls off and you are just focused on that thing. Craving is also a craving, right? No craving is also a craving. Yes. So today I want to close here 40 minutes and thank you for joining, and we can do that hand dance as both says. Thank you for joining, and any other comments or something, you can always, we can continue this conversation. But today was like something, you know, very thoughtful and it really brought the juices out. Meko laga ki kafi depth mein aaj discussion hua hai. Dhonagar wale to kuch bola hi nahi. Pati ji ne kuch bola, main bhi bolna chahta hu. Chup hain, dhonagar wale. Hello, hello, kuch to bolo.